नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ चुकी साल 2021 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए बिना किसी परीक्षा के केवल और केवल इंटरव्यू के बेस पे भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, केवल 10वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का ड्रीम जॉब है DRDO को ज्वाइन करने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी एज कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 28 साल के बीच में है, तो आप लोग आज की इस वीडियो को पूरी आखिरी तक जरूर देखेगा। यहाँ पे SC ST के लिए 5 और OBC के लिए 3 सालों का उम्र में एज में रिलैक्सेशन भी रखा गया है। इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आसानी से आवेदन कर पाएंगे। और आपकी एज, वेतन और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बाकी डिटेल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर प्रोवाइड कराने वाला हूं। और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल फ्री में, जी हां, बिना किसी फॉर्म शुल्क के आप लोग बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी से बस छोटी सी ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, दिल से सपना है DRDO को ज्वाइन करने का, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको आपके काम की लगे तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली ऐसी ही DRDO या फिर किसी भी डिफेंस गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इस वैकेंसी के लिए आपको किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं देना होगा, यानी कि केवल और केवल निर्धारित डेट यानी कि तिथि के अंदर आपको इंटरव्यू देना होगा। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन भी कर पाएंगे। फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है। एज आपकी 18 से लेकर 28 साल की होनी चाहिए और वेतन यहाँ पे आपको 8 से 9 हज़ार रुपये स्टार्टिंग का दिया जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं, देन इसके बाद आपको आगे की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं। तो दोस्तों, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बाद अगर आप लोग यहां पे आएंगे तो आपको वैकेंसी से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पे आपको 48 यानी कि 48 मिलेंगी और आप लोग यहां पे स्टिपेंड वगैरह देख सकते हैं, पर मंथ का आपको कितना दिया जाएगा। यहाँ पे आपको स्थान यानी कि लोकेशन, किस लोकेशन के अंदर आपकी पोस्टिंग होने वाली है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। इसके नीचे आएंगे तो आपको ये भी बताया गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो www.drdo.gov.in की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जो सिलेक्शन वगैरह है इसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं DRDO की तरफ से आ चुकी नई भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे आपका 10th पास होना जरूरी है, 10th के साथ भी कुछ एजुकेशन चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 तरह की पोस्ट वैकेंसी दी गई हैं, तीनों के लिए अलग अलग एजुकेशन है, तो इसके बारे में आपको आगे जानकारी मिलने वाली है। बिना किसी एग्जाम के केवल और केवल इंटरव्यू के बेस पे आप सभी का सिलेक्शन होगा और आवेदन करने की आखिरी डेट जो यहाँ पे है वो 15 अक्टूबर तक की है। तो आपको ध्यान से 15 अक्टूबर से पहले या उसी दिन तक आवेदन कर देना है। अगर आप लोग लास्ट डेट का इंतजार करेंगे तो उधर आखिरी में सर्वर भी डाउन हो जाता है, इसीलिए आप लोग अभी के अभी जब भी आपको मौका मिले जितना जल्दी आप लोग आवेदन कर दें। आवेदन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग
भारत के किसी भी राज्य से आवेदन भी कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग बिना किसी दिक्कत के फ्री में आवेदन कर सकते हैं। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं जहां से आपको आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑफिशियल लिंक मिलने वाला है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आपको आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आपको नीचे आना होगा। आप लोग यहां पे देख सकते हैं DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग linkworking.org की साइट पे जा सकते हैं। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो वेरियस पोस्ट यहाँ पे रहेंगी और अप्रेंटिस की वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है। इम्पोर्टेंट डेट ऑलरेडी फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं और 15 अक्टूबर 2021 इसकी आखिरी डेट होने वाली है। एज लिमिट यहां पे अप्रेंटिस के रूल के हिसाब से रहेगी, इसके बारे में आपको आगे जानकारी दी जाने वाली है। अप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो। देन टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, आप लोग क्लिक हियर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO होने वाला है। कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर सकते हैं उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, आप लोग भारत के किसी भी राज्यों से आवेदन भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टिपेंड है जो कि आपका मंथली का 7,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक का दिया जाएगा। एजुकेशन आपका 10th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आपको 15 अक्टूबर 2021 तक ध्यान से आवेदन फिल कर देने हैं और आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो केवल और केवल इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है, बिना किसी एग्जाम के। देन फाइनली आपको इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको linkworking.org की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, अप्लाई का और डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। आपको linkworking.org की साइट पे चले जाना है। यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल तरीके से अपडेट मिलेगा, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। DRDO का रिक्रूटमेंट है अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेनी अपने हिसाब से। वैसे जो यहाँ पे बताया गया है काफ़ी डिटेल में अपडेट है, जैसे कि मैंने बताया, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने पर आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा। इम्पोर्टेंट लिंक के सेक्शन पे आपको अप्लाई का, नोटिफिकेशन और वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली क्लिक हियर की बटन पे क्लिक करना नोटिफिकेशन के सामने, और जो यहाँ पे डाउनलोड लिंक का ऑप्शन आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जब डाउनलोड की बटन आए, इस पर क्लिक करके और की फाइल पे क्लिक कर दीजिएगा। जिससे आप लोग की फाइल पे क्लिक करेंगे आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और कुछ ही टाइम बाद आपके सामने PDF फॉर्मेट में ओपन भी हो जाएगा। दोस्तों आवेदन करने का लिंक यहाँ पे दिया गया है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगर आप लोग आवेदन करने का A to Z डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट करें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी दूसरी वैकेंसी की अपडेट चाहिए तो आपको जस्ट नीचे आ जाना है। नीचे आने पर यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि आपको और भी कई सारी यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वैकेंसी आ चुकी है जहां पे प्यून, प्रोसेस सर्वर और स्वीपर की पोस्ट है। HPSC की तरफ से ADO और SDAO की वैकेंसी है और यहां पे आपको HP पुलिस के अंदर भी कांस्टेबल, GD और ड्राइवर की वैकेंसी मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लोग बेरोजगारी भत्ता भी देख सकते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी यहां पे वैकेंसी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको जो भी वैकेंसी की अपडेट चाहिए आप लोग टाइम टू टाइम linkworking.org पे विजिट करते रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।